हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, और मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में अगर बताऊं तो आपकी बुक का सबसे पहला जो यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, द लिविंग वर्ल्ड। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे स्कूल एग्जाम्स में, नीट एग्जाम में, रादर मैं आपको ये कहूँगा कि ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का फाउंडेशन तैयार करेगा, ये नींव तैयार करेगा। तो आपको एक बहुत बेसिक बात यहाँ पे समझ जानी चाहिए कि आगे के चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप किसी भी बुक को देखेंगे 11th क्लास की, इवन NCERT, तो हर बुक ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है क्वेश्चन से, व्हाट इज लिविंग, हम लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो वी हैव नो डायरेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते लाइफ क्या है या लिविंग क्या है, बिकॉज लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड इन सिंगल सेंटेंस एंड इवन लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड। हाँ, हमें आज के डेट में सारी चीजें पता है, भले ही हमें अपनी बॉडी की पूरी केमिस्ट्री पता है, कौन सा बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, किस बायोमोलिक्यूल का कन्वर्जन किस बायोमोलिक्यूल में होता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शन। इवन हम आज ये भी जान चुके हैं हमारे बॉडी के अंदर सेल्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं उनके अंदर बैठा न्यूक्लियस के अंदर बैठा DNA जो है उसके एक एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस तक के बारे में पता लगा चुके हैं। लेकिन इतने केमिकल बायोकेमिकल और इतनी नॉलेज या डेटा इकट्ठा करने के बाद भी साइंटिस्ट आज भी लाइफ को लैब में क्रिएट नहीं कर पाए हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। तो लाइफ को हम ऐसे ही किसी बायोमॉलिक्यूल के थ्रू लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि लिया आप इस बायोमॉलिक्यूल उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और लाइफ क्रिएट कर दिया। अभी तक इस बात के लिए सक्सेस नहीं मिल पाई है साइंटिस्ट को, हालांकि लगे हुए हैं साइंटिस्ट लेकिन अभी सक्सेस नहीं मिल पाई है, और मुझे नहीं लगता कि सक्सेस मिल पाएगी इस फील्ड में। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट से बहुत ग्रेट साइंटिस्ट का नाम बताता हूँ जिन्होंने क्वांटम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। लाइनस पॉलिंग, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, लाइफ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वन मॉलिक्यूल, रादर इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स। इन्होंने कहा कि लाइफ एक सिंगल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है या कुछ बायोमॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, लाइफ बहुत सारे केमिकल या बायोकेमिकल के इंटरैक्शन का रिजल्ट है, और ये जो बायोकेमिकल इंटरैक्शंस हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं जिनमें कोई भी मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस होते हैं हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, सेल के अंदर होती है। और इसीलिए एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट आप लोग जानते होंगे हक्सले, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको लाइफ को समझाना है, किसी को फिजिकल प्रूफ देना है लाइफ के लिए, तो आप प्रोटोप्लाज्म दे सकते हैं, क्योंकि लाइफ को हम सिंगल सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते, लाइफ को हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो कोई पूछेगा ना कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग, व्हाट इज लाइफ, तो आप लाइफ के लिए प्रूफ अगर आपसे कोई मांगे तो आप ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है या फिजिकल बेसिस जो है लाइफ का वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। वो इसलिए क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और इन इंटरेक्शन के रिजल्ट को क्या बोला लाइनस पॉलिंग ने, लाइफ बोला। तो ये जो इंटरैक्शंस हैं, वेरियस वॉल्यूम मॉलिक्यूल की इंटरैक्शन है, इसका रिजल्ट हमें लाइफ के फॉर्म में दिखाई देता है, और ये इंटरैक्शन होते हैं चूंकि प्रोटोप्लाज्म में, तो हक्सले ने इसको बोल दिया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते सिंगल सेंटेंस में, लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकते। सो हाउ कैन वी डिफाइन लाइफ, हम लाइफ को कैसे किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। तो अगर बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आपसे अभी इस टाइम में कोई पूछे कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, तो आपके मन में कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, आप कुछ प्रॉपर्टीज सोचेंगे, कुछ फीचर्स सोचेंगे,
कि लिविंग में ऐसा होता होगा, नॉन लिविंग में नहीं होता होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग में पाई जाती हैं और वो नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं देखने को मिलता वो। सो द लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, जिसको हम सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कुछ फीचर्स के बेसिस पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ना कि डिफाइन और क्रिएट कर सकते हैं। और वो जिनके जिन फीचर्स या जिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग इनको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उनको हम बेसिस ऑफ लाइफ कंसिडर करते हैं या फीचर फॉर बींग लिविंग बोलते हैं उनको। जैसे आपसे कोई पूछेगा कौन लिविंग है, लिविंग कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन करोगे लिविंग को, तो आप बोलोगे कि सर जो खाना खाते हैं, यानी इनटेक ऑफ फूड, न्यूट्रिशन की बात आप करेंगे। सर जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करें, यानी ब्रीदिंग की आप बात करेंगे। वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक करके उनसे एनर्जी डिराइव की जाती है, इग्निशन ट्राई फॉस्फेट, जिसको बोलते हैं एटीपी एब्रीविएटेड फॉर्म में। फिर आप कहेंगे सर जो हिल डुल सके, पत्तियां हिले, हाथ पैर हिले, हम चलें, यानी मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात आप करेंगे। फिर आप कहेंगे कि सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेंस कर पाना और उसके लिए कोई रिएक्शन, विजिबल रिएक्शन, ऑब्जर्वेबल चेंज डेवलप कर पाना खुद के अंदर, यानी आप सेंसिटिविटी, इरेटेबिलिटी और कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। इसी तरीके से आप कहेंगे कि सर साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है धीरे धीरे लिविंग का, यानी आप ग्रोथ की बात कर रहे होंगे। अपने अंदर की इन्वायरमेंटल कंडीशन को एक जैसा सस्टेन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, आप होमियोस्टासिस की बात करेंगे ना। और इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं सर एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो बहुत सारी इस तरीके से आप फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक आप हमको बताओगे कि सर इसके बेसिस पे अगर ऐसा होगा तो वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या आर्टिकल है। तो मुझे इन सब बातों में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता कि आप कहें कि सर सांस लेता है, खाना खाता है, हिलता डुलता है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो हिल डुल सकते हैं, पन्ने रखे हुए हैं, पेज रखे हुए हैं, तेज पंखा चल रहा है, हिलेंगे डुलेंगे वो, तो लिविंग तो है नहीं। वो पत्थर का टुकड़ा है, पैर से मार दिए, वो आगे बढ़ गया, वो भी तो लोकोमोशन है, हो सकता है, लेकिन इसको हम लोकोमोशन नहीं बोलेंगे और इसको लिविंग नहीं बोलेंगे। तो मुझे ये सब कुछ टर्म्स में जो आपने हमें बताया इससे बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, जिसके बेसिस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ ग्रोथ। ग्रोथ के बेसिस पे हम लाइफ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, पहली चीज तो जैसे ही ग्रोथ टर्म आपके सामने आया तो आप एक चीज ये समझ जाइए कि ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रोथ में मास बढ़ता है और ग्रोथ में नंबर बढ़ेगा। हमने आपको बोला कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कह सकते हैं इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। मास वेट बढ़ सकता है, साइज बढ़ सकता है, इंक्रीज इन नंबर का मतलब एक सेल बढ़ सकती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकती है, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। मास का बढ़ना इंडिविजुअल का, नंबर का बढ़ना इंडिविजुअल का, ग्रोथ के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इंडिविजुअल का नंबर ही नहीं, सेल का नंबर भी बढ़े तब भी उसको ग्रोथ कंसिडर करेंगे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, कुछ क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो सिंपली आप ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रोथ इंक्रीज इन मास है, इंक्रीज इन नंबर है। या तो मास बढ़े, या तो नंबर बढ़े, या तो दोनों ही बढ़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। तो मास का बढ़ना, नंबर का बढ़ना, या दोनों का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। लेकिन इतने से मजा नहीं आया। अगर हम ग्रोथ को लिविंग में कंसीडर कर रहे हैं, या मैं ग्रोथ लिविंग में बोल रहा हूं, तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात हमें करनी चाहिए कि ये जो मास में इंक्रीमेंट है और ग्रोथ में जो ये नंबर में इंक्रीमेंट है, यानी कि जो ये इंक्रीज इन मास है, इंक्रीज इन नंबर है,
ये होना चाहिए परमानेंट, और तो और ये होना चाहिए इरिवर्सिबल। अगर ये दोनों बातें आप और जोड़ दिए तब ग्रोथ की डेफिनेशन कंप्लीट होती है इन केस ऑफ लिविंग। बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया बात में, हम लोग बताएंगे आपको कि देखेंगे हम लोग कि लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ का डिफरेंस क्या है। अभी मैंने आपको सिर्फ लिविंग के रिस्पेक्ट में ग्रोथ को समझाया है। हमने ये कहा कि ग्रोथ क्या है, मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना, या दोनों का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। लेकिन मैं ग्रोथ लिविंग में बात कर रहा हूं, तो मैंने एक बात और यहां पे आपको बताई कि ये इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर परमानेंट होना चाहिए और इरिवर्सिबल होना चाहिए, तब हम इस ग्रोथ को लिविंग की ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात आती है कि ये नंबर या मास बढ़ेंगे कैसे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि नंबर और मास कैसे बढ़ेंगे। जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें ये सेल्स हैं दो, तो इन दोनों सेल का नंबर बढ़ेगा कैसे। मान लो इस ऑर्गेनिज्म में दो सेल से हो गई चार सेल, ये चार सेल बन गई, तो आपको पता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो ग्रोथ को डिफाइन करेगी, या जो ग्रोथ में पहली इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होगी, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल डिवीजन। इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ हो सकती है। अब क्योंकि आपने देखा कि दो सेल थी, यहां पे नंबर ऑफ सेल दो और यहां नंबर ऑफ सेल फोर, यानी टू से फोर, नंबर ऑफ सेल क्या हो गए, इंक्रीज, इंक्रीजिंग नंबर। और अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है जब दो सेल है, लेकिन ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा हो गया जब इसमें कितनी सेल हो गई, चार सेल हो गई। यानी कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का साइज और मास भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मास और कैसे बढ़ सकता है। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल चार ही रहे, सेल रहे चार ही, लेकिन सेल का साइज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब भी ऑर्गेनिज्म का साइज और ऑर्गेनिज्म का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल एनलार्जमेंट, सेल का साइज क्या हो गया, बड़ा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो ग्रोथ में अकर होगी, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल एनलार्जमेंट। और एक तीसरा तरीका देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो सेल है, ये अपने चारों तरफ मान लो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करें। तो जैसे ये कोई सेल है, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, यहां पर प्रेजेंट होगा फ्लूइड। तो फ्लूइड के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं प्लाज्मा। फ्लूइड का मतलब क्या है, प्लाज्मा या प्लाज्म। सेल के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस को भी कंसीडर कर लें तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है, इसको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस को इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं। और सेल के बाहर जो होगा उसको बोलेंगे अपोप्लाज्म। तो यहां पर जैसे सेल के बाहर कुछ सिक्रीशन हो रहा है, और वो सिक्रेशन ये सेल के बाहर आकर के यहां पे इकट्ठा हो रहा है, तब भी तो इस ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ जाएगा। यानी कह सकते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यहां पे एपो प्लाज्मिक सिक्रीशंस भी हो सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। यानी कह सकते हैं कि ग्रोथ होगी इन दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू, लेकिन हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं अपने जनरल नॉलेज के लिए। तो हमने आपको बताया, एक बार फिर मैं रिकैप कर रहा हूं, ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे, मास का बढ़ना, नंबर का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। लेकिन मैं अगर ग्रोथ लिविंग में बात कर रहा हूं, तो ये जो मास और नंबर का बढ़ना है, ये परमानेंट और इरिवर्सिबल होना चाहिए, तब मैं ग्रोथ को लिविंग की ग्रोथ कंसिडर करूंगा, तब मैं ग्रोथ को लिविंग की ग्रोथ कंसिडर करूंगा। ठीक है। और फिर हमने आपको बताया कि ये नंबर और मास और नंबर बढ़ेंगे कैसे। तो हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर दो सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ सकती है, प्रोसेस को बोलेंगे सेल डिवीजन। या फिर इस सेल का साइज बड़ा हो सकता है, सेल एनलार्ज हो सकती है, एलोंगेट हो सकती है। तो हमने कहा कि सेल एनलार्जमेंट से भी क्या हो सकता है, मास या साइज बढ़ सकता है, वेट बढ़ सकता है ऑर्गेनिज्म का, नंबर भले ही ना बढ़े। हमने आपको बताया था कि नंबर बढ़े या मास बढ़े,
या साइज बढ़े। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि हो सकता है इसके बाहर सिक्रीशन हो सेल के चारों तरफ और वह इकट्ठा होते रहे जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ जाए, यानी एपोप्लाज्मिक सिक्रीशन। तो ग्रोथ इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। लेकिन अगर लिविंग की ग्रोथ बात कर रहे हैं तो मास का बढ़ना या नंबर का बढ़ना परमानेंट रिवर्सिबल होना चाहिए। और ये मास और नंबर बढ़ेंगे कैसे, तो मैंने आपको बताया कि थ्रू द सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट के थ्रू या फिर एपोप्लाज्मिक सिक्रीशन के थ्रू। ये तीन क्रिस्टल क्लियर बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये ग्रोथ को डिफाइन करेंगी। अब ग्रोथ में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, ग्रोथ में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रोथ किसमें, लिविंग में, हमने आपको बताया मास का बढ़ना, नंबर का बढ़ना अगर परमानेंट रिवर्सिबल हो तो लिविंग की ग्रोथ है। और जैसे ही मैं लिविंग की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि सर लिविंग में तो प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे। तो ये बात सही है कि लिविंग में प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे, प्लांट्स भी लिविंग है, अभी बाद में हमको समझ में आ जाएगा। तो प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होती है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं क्लास 9th की बात, तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में आप एक इंपॉर्टेंट टिश्यूज का नाम जानते होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एमटी लिख सकते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो प्लांट में इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से, अच्छा एक और बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, इनकी सेल वॉल प्राइमरी होती है, बहुत थिन होती है, न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल नहीं होंगे या तो बहुत स्मॉलर होंगे, साइटोप्लाज्म बहुत एक्टिव और डेंस होता है। तो ओवरऑल ये सेल बहुत एक्टिव होती है। और मेरिस्टम, मेरिस्टोस का मतलब यही होता है टू डिवाइड, टू कंटिन्यू डिवाइड, यानी डिवीजन कंटिन्यूअस होता रहेगा इसमें। तो मेरिस्टमेटिक सेल्स जो होती हैं अपने स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर के बेसिस पे हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। मेरिस्टमेटिक सेल्स का काम ही यही होता है, सेल्स का नंबर इंक्रीज करते रहना हमेशा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ऐसे सेल्स या टिश्यूज हैं जो हमेशा डिवाइड करती रहेंगी, तो हमेशा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता रहेगा, नंबर बढ़ता रहेगा। और अभी हमने आपको बताया कि नंबर का बढ़ना क्या बोला जाएगा, ग्रोथ बोला जाएगा, यानी यहाँ पे ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे सेल हमेशा डिवाइड करती रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। और अगर सेल हमेशा डिवाइड करती रहेंगी तो सेल का नंबर हमेशा बढ़ता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी कितनी बढ़ेगी। और सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है और इंक्रीजिंग नंबर को हम ग्रोथ बोल रहे हैं, तो इंक्रीज का कोई लिमिट नहीं है तो ग्रोथ का भी कोई लिमिट नहीं होगा। तो यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो ग्रोथ प्लांट में है इसकी कोई लिमिट ना होने की वजह से इसको मैं बोल रहा हूं अनलिमिटेड ग्रोथ। और अगर किसी चीज से कोई लिमिट नहीं है तो आप उसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि यहां पे जो ग्रोथ है प्लांट के अंदर वो इन डिटरमिनेट ग्रोथ है, ये बात आपको समझनी है ये बात। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एनिमल की, तो एनिमल्स में ऐसी कोई टिश्यू या सेल नहीं पाई जाती है, और एनिमल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होने की वजह से एनिमल में एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ग्रोथ होती है, उसके बाद जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो लिमिटेड हो जाती है फॉर द रिपेयरमेंट और रीजनरेशन, किसी भी कट पार्ट को वापस से रीजनरेट करने के लिए या फिर वुड हीलिंग के लिए लिमिटेड हो जाती है, वो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनिमल में जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी, तो सिंपली हम लोग एनिमल की ग्रोथ को लिमिटेड ग्रोथ बोल देंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसी ग्रोथ को हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो एनिमल की ग्रोथ को बोलेंगे डिटरमिनेट ग्रोथ, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारे पास ग्रोथ की दो कैटेगरी हो गई, एक एनिमल में डिटरमिनेट ग्रोथ और एक दूसरा प्लांट्स में इनडिटरमिनेट ग्रोथ, या फिर एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ और प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ।
एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझ लीजिए, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन में प्रेजेंट होंगे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी हो सकते हैं, आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको, और इस वजह से ग्रोथ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगी और ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ। और एनिमल के केस में क्या जानना है हमको कि एनिमल की ग्रोथ जो है, एनिमल की पूरी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली ग्रो करती है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। इतनी बात आपको ग्रोथ में समझना है कि प्लांट और एनिमल में ग्रोथ कैसे डिफरेंशिएट की जा सकती है। तो हमने आपको बोला कि प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यूज होंगी, मेरिस्मेटिक सेल्स जो है हमेशा डिवाइड करके नंबर को इंक्रीज करती रहेंगी, और इंक्रीज इन नंबर को हम ग्रोथ बोल रहे हैं, तो ग्रोथ हमेशा होती रहेगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है तो अनलिमिटेड ग्रोथ उसको बोल देंगे, और इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसको हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोल दे रहे हैं। और हमने बोला कि ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज या सेल्स हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे कि एक लोकलाइज्ड पार्ट पे प्रेजेंट होती हैं, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे प्रेजेंट होंगी, एपिकल, इंटरकैलरी या लैटरल हो सकती हैं, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ग्रोथ होगी, ऐसी ग्रोथ को लोकलाइज्ड ग्रोथ बोलते हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल देयर इज नो मेरिस्मेटिक टिश्यू, यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू या सेल नहीं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, रिजर्वेशन वगैरह के लिए यूज होगी, और ऐसी ग्रोथ को हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं आसानी से, इस वजह से मैंने बोला कि इसको बोलेंगे डिटरमिनेट ग्रोथ, जैसे कि उसको बोल रहे थे इनडिटरमिनेट ग्रोथ। और हमें बोला कि एनिमल की जो पूरी बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म मैनर में इंक्रीज होगी साइज में, मास में, तो हमने बोला कि ये ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डिफ्यूज्ड ग्रोथ। तो ये प्लांट और एनिमल में दो तरीके की ग्रोथ हमने पढ़ी, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, या इस बात पे कि इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं या नहीं, या इस बात पे कि इसकी कोई लिमिट है या नहीं, इसके बेसिस पे हमने ग्रोथ को दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया या क्लासिफाई किया, एक डिटरमिनेट ग्रोथ और एक इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ को अनलिमिटेड ग्रोथ बोला, प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, और डिटरमिनेट ग्रोथ को हमने बोला ये एनिमल में देखने को मिलेगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी। लेकिन ये जो ग्रोथ है, अगर आप एक टर्म बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे हैं कि ग्रोथ को मैं बोल रहा हूं इंक्रीजिंग मास, या फिर कह सकते हैं वेट का भी बढ़ना तो बोल सकते हैं, मास का बढ़ना, वेट का बढ़ना, साइज का बढ़ना, तो आप जानते हैं कि जैसे ये कोई माउंटेन है, स्नो माउंटेन है, इसका ये साइज है, कोई मास होगा इसका, सपोज इस पे और ज्यादा स्नो आकर के इकट्ठा होती गई स्नो फॉल की वजह से, टाइम के साथ यहां पे ढेर सारी स्नो आकर के इकट्ठा होती गई इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि इसका साइज ये हो गया, मान लो इसका मास कुछ और हो गया, तो ये जो मास है इस मास से ज्यादा तो होगा ही, और ये जो साइज है वो इस साइज से ज्यादा होगी, यानी कह सकते हैं कि ये जो स्नो माउंटेन है इसका साइज भी बढ़ रहा है टाइम के साथ, और इसका मास भी बढ़ रहा है साइज के साथ, और हो सकता है ये टूट जाए दो पार्ट में तो इसका नंबर भी बढ़ेगा टाइम के साथ, या मैं नंबर अगर नहीं कह सकता हूं तो कम से कम ये तो कह ही सकता हूं कि मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो मास का बढ़ना भी तो अभी हमने बोला कि ग्रोथ हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो स्नो माउंटेन है ये ग्रो कर रहा है। इस तरीके से आप बहुत सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे सर स्टोन है, उसमें अगर पानी पड़ता रहा, डस्ट पार्टिकल आकर के चिपकते रहे, तो हो सकता है कुछ साइज में बड़ा हो जाए। क्रिस्टल्स वगैरह हैं, जैसे कि वुडन ब्लॉक की अगर बात कर ली जाए, तो अगर उसको कोई लकड़ी का टुकड़ा है पानी में उसको फेंक दीजिए तो साइज बढ़ जाता है उसका, फूल जाता है, और मास भी उसका बढ़ जाएगा, तो मास और साइज बढ़ रहा है तो ये भी तो ग्रोथ है। अभी हमने बताया आपको कि मास का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। तो जैसे कि बहुत सारे नॉन लिविंग आर्टिकल्स की अगर बात कर रहा हूं मैं, स्नो माउंटेन साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, अभी हमने बताया वुडन ब्लॉक को अगर पानी में डाल दे तो भी उसका साइज या मास बढ़ेगा, तो यानी कह सकते हैं कि ग्रोथ और ये माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग है,
इसका मतलब ये है कि इसमें अगर ग्रोथ हम देख रहे हैं तो नॉन लिविंग में ग्रोथ देख रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है। तो ग्रोथ नॉन लिविंग में जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिए ध्यान से। अभी हमने क्या देखा था कि ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये सेल्स हैं दो, और आपने देखा कि सिल्क का डिवीजन होगा तो एक से दो सेल से चार सेल बनेगी, इसका साइज बढ़ जाएगा, या फिर अगर सेल का एनलार्जमेंट हुआ, दो ही सेल हैं, सेल के साइज बढ़ने की वजह से भी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ जाएगा। तो चाहे सेल डिवीजन के थ्रू या सेल एनलार्जमेंट के थ्रू या फिर अपोप्लाज्मिक सिक्रीशन के थ्रू, सेल दो ही रहे लेकिन सिक्रीशंस बढ़ जाए चारों तरफ सेल के, फ्लूइड बढ़ जाए, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे एपोप्लाज्मिक सिक्रीशन, तो सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट या एपोप्लाज्मिक सिक्रीशन, अगर इन तीनों कारणों से साइज या नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है सेल डिवीजन के थ्रू और सेल एनलार्जमेंट और एपोप्लाज्मिक सिक्रीशन के थ्रू क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो नंबर बढ़ना और साइज बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर और साइज जो कुछ भी बढ़ रहा है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर के फोर्स की वजह से हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, या तो सेल डिवीजन की वजह से, या तो सेल एनलार्जमेंट की वजह से, या तो एपोप्लाज्मिक सिक्रीशन की वजह से। तो अगर बॉडी के अंदर से किसी फोर्स की वजह से ये नंबर या साइज इंक्रीज हो, इंटरनल वाइटल फोर्सेस की वजह से नंबर या साइज अगर इंक्रीज हो, तो ऐसी ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी ग्रोथ को, इंटरनल ग्रोथ, या फिर इसको बोल सकते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो ये टर्म आपको याद रखना है, इंट्रिंसिक और इंटरनल। और ये क्या है, ये माउंटेन था, माउंटेन का ये एक्सटर्नल सरफेस, और सरफेस पे यहां पे डिपोजिशंस होने लगे, यानी बाहर से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये सरफेस डिपोजिशन है इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, जो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो ये एक्सट्रिंसिक और ये एक्सटर्नल वाला टर्म आपको याद रखना है। तो यहां पे भी अगर मैं ग्रोथ के टाइप की बात करूं तो दो तरीके की ग्रोथ हो गई यहां पे भी, एक कौन सी, इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रही है, सेल के डिवीजन से या सेल के एनलार्जमेंट से या सेल के सिक्रीशन से। और आपको पता है कि सेल जो है वो बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल लिविंग है। तो ऐसी ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग की ग्रोथ। यानी कह सकते हैं कि ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये किस में होगी, लिविंग में होगी। और ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सरफेस डिपोजिशंस की वजह से ग्रोथ हो रही है, जो यहाँ पे सरफेस पे आकर के कुछ पार्टिकल या स्नो आकर के इकट्ठे होते जा रहे हैं जिसकी वजह से साइज या मास बढ़ रहा है, तो इसको एक्सटर्नल ग्रोथ और इसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। तो यहाँ पे अंदर के किसी लिविंग फोर्स की वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा है ग्रोथ, तो ऑब्वियसली ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये ग्रोथ किसकी ग्रोथ है, नॉन लिविंग कैटेगरी की ग्रोथ है, क्योंकि माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग है। तो बात आती है कि हम ऐसे फीचर को पकड़े थे या प्रॉपर्टी को पकड़े थे जिसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर रहे थे, वो तो हमको दोनों जगह देखने को मिल रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी या फीचर के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास दो फ्रूट है, दो फ्रूट्स हैं हमारे पास, और किसी ने हमको ये बता दिया कि दो हैं उसमें, एक सेब है एक संतरा है, और जो थोड़ा सा खट्टा होता है वो संतरा होगा और सेब के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। तो आप कहेंगे कि आप उसको टेस्ट करके देखेंगे, जो खट्टा है वो संतरा है, दूसरा वाला ऑब्वियसली क्या होगा, सेब होगा। तो मेरे पास दो कैटेगरी है, एक लिविंग की एक नॉन लिविंग की, और मेरे पास एक फीचर है
जैसे टेस्ट के बेसिस पे आप फ्रूट्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे, वैसे ग्रोथ के बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर खट्टा दोनों ही फ्रूट होते, दोनों ही फ्रूट्स अगर खट्टे होते तो आप नहीं बता सकते थे कौन संतरा है। वैसे अगर ग्रोथ के बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ग्रोथ दोनों में देखने को मिल रहा है, तो इस ग्रोथ के बेसिस पे मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। यही आंसर है इसका कि ग्रोथ के बेसिस पे क्या डिफाइन कर सकते हैं लिविंग को, नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक तो प्रॉपर्टी और दूसरा टर्म मैंने यहां पे आपको बताया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये कोई भी फीचर या किसी भी करेक्टर को हम प्रॉपर्टी या फीचर बोल सकते हैं अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प कर रही है या लिविंग में देखने को मिल रही है। तो मैं सिर्फ उसको प्रॉपर्टी, उस फीचर को तब बोलूंगा जब वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, कुछ में ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नॉन लिविंग में भी हो लेकिन लिविंग में होना चाहिए, तब उसको हम प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे लिविंग की। लेकिन उसी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब कंसिडर करेंगे जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करें। एक पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन, इट मस्ट बी अप्लीकेबल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है, ये केवल और केवल हमको देखने को मिलनी चाहिए किसमें, लिविंग में। केवल और केवल हमको देखने को मिलना चाहिए ये लिविंग में। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रॉपर्टी को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब बोल सकते हैं जब वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, और वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, तब हम प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। तो बात आती है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? अगर मैं ग्रोथ को देख रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? आपका आंसर होगा हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, वो ग्रोथ शो करते हैं। क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है? आपने अभी देखा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आर्टिकल्स भी शो करते हैं। द मीन इज दैट ग्रोथ कैन अकर इन नॉन लिविंग ऑल्सो, ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलेगी। एंड देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर बींग लिविंग। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से कि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रही है, हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं कर सकते। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैंने आपको बोला कि क्या ग्रोथ प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? हाँ प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। क्या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहली प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एप्लीकेबल है? लेकिन अगर ओनली लिविंग की बात अगर आती है कि क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है, तो अभी आपने देखा कि नॉन लिविंग आर्टिकल्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, एंड देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती फॉर बींग लिविंग। ग्रोथ के बेसिस पे हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग को भी ग्रोथ के बेसिस पे लिविंग बोल देंगे ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रोथ के बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं लाइफ को, या लिविंग नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ प्रॉपर्टी या फीचर है, लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात हमको ग्रोथ में समझनी थी। तो कैसे डिफाइन करेंगे ग्रोथ को, फेल हो गए तो सॉरी लाइफ को या लिविंग को डिफाइन करने में? तो इतनी जल्दी हार थोड़ी मानता है कोई कि ग्रोथ को एक प्रॉपर्टी हमें किसी ने दे दिया था कि इसके बेसिस पे लाइफ को डिफाइन करो। हमने कोशिश किया, कुछ हद तक सफलता मिली, फिर नहीं मिली, बाद में हम फंस गए कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही है, इस वजह से अरे बेकार हो गया है ग्रोथ के बेसिस पे, तो मैं बोल ही नहीं सकता किसी को लिविंग या नॉन लिविंग। तो अगला फीचर या प्रॉपर्टी ट्राई करेंगे, हो सकता है उसके बेसिस पे हमें सक्सेस मिले। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज
रिप्रोडक्शन, नाम से ही आपको पता चल रहा है रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन एक प्रोक्रिएशन, इट इज अ प्रोक्रिएट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसा नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जैसे आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ये एक मार्कर है, इसको आप रख दीजिए कहीं पे, ये दूसरा मार्कर नहीं बना लेगा, ये बना लेगा, किसी ने दूसरे ने रख दिया होगा तो ठीक है, लेकिन अपने आप से नहीं बना पाएगा। यानी ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये अपनी कॉपी नहीं बना सकता है। तो नॉन लिविंग और नई कॉपी बनाने को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन है क्या, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दोबारा से बनाने को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो बेसिस पे हो सकता है, दो तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो तरीका रिप्रोडक्शन का ये है कि एक मेल पेरेंट हो, एक फीमेल पेरेंट हो, मेल पेरेंट मेल गैमीट बनाए, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट बनाए, और ये दोनों गैमीट आपस में मिले और ये एक स्ट्रक्चर बने जिसको बोला जाए जायगोट, और ये जायगोट आगे चल के एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाए, इसको बोला जाए एम्ब्रायो, और ये डेवलप होकर के आगे चल के न्यू इंडिविजुअल बनाए। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस लिखी हुई है, ये वाले गैमेट के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटो जेनेसिस, और ये जो दोनों गैमेट का फ्यूजन है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अगर ये पेरेंट देखो और इस इंडिविजुअल को देखो, तो ये इंडिविजुअल इसके जैसा होगा, तो इस पेरेंट ने अपने जैसा नया इंडिविजुअल बनाया, प्रोसेस को हमने बोला रिप्रोडक्शन, प्रोसेस को हमने बोला रिप्रोडक्शन। और अगर इसमें ये एक प्रोसेस हो रही हो, गैमीट बन रहे हो और ये एक प्रोसेस हो रही हो, दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो रहे हो, तो इस रिप्रोडक्शन को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बोला कि एक तो तरीका, हमने आपको बोला कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, प्रोसेस को बोलेंगे रिप्रोडक्शन, और ऑर्गेनिज्म पहले गैमीट बनाए, गैमेटोजेनेसिस हो, फिर दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करें, फर्टिलाइजेशन हो, इसके थ्रू जो नया इंडिविजुअल बनेगा जिसमें गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, तो इस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इस तरीके से टूट जाए दो सेल्स में, और ये डेवलप हो जाए दो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे अमीबा में सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि कहीं पे क्या नहीं हो रही है, गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रही, कहीं पे क्या नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इस सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके से नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती हैं, एक विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन बट श्योरली विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने कैरेक्टराइज किया विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रोसेसेस, वन इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड वन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच इज फर्टिलाइजेशन। और हमने बोला आपको कि कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेस हो रही है उसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे इस तरीके से सिंपली, और कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको यहीं पे एक बार बता दूं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्ट, कुछ फंगाई, लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, लोअर एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टार फिश, ना इन सब में देखने को मिलता है हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे हायर अप होते गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, वो इवॉल्व हो गए और रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए सेक्सुअली, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म लाइक हायर एनिमल एंड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट, कॉर्डेट्स वगैरह में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली और हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वो डिपेंड करता है उनके हैबिट और हैबिटेट पे, इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे या इन्वायरमेंटल कंडीशन पे।
कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होगी तो वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे असेक्सुअली, और कंडीशन हॉस्टाइल हो जाएगी, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे तो वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने लगेंगे बाय द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इसमें चेंजेज या वेरिएशन आएंगे, 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो रिप्रोडक्शन में ये दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, बाद में इसमें पढ़ेंगे फिजन बडिंग, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्ट्रोबाइलेशन, बहुत मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो सारी चीजें डिटेल डिस्कशन हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हमने आपको बोला कि रिप्रोडक्शन दोबारा से प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस हमने बोला रिप्रोडक्शन को, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नई कॉपी बनाएगा या तो इस मैकेनिज्म के थ्रू या फिर सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन हो उसको सेक्सुअल, और जिसमें नहीं हो दोनों प्रोसेस या कोई एक प्रोसेस इसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म जो लोअर होते हैं वो असेक्सुअली और हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों तरीके से क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये आता है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये मार्कर अपनी कॉपी नहीं बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी इसमें नहीं है, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी, सेल्फ इवॉल्विंग एक्टिविटी इसमें नहीं है, तो ये नई कॉपी नहीं बना सकता। तो यानी एक बात तो हमको क्लियरली समझ में आ गई है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी उसमें क्या होगी, नहीं होगी। तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं कि क्या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हाँ रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं ये बात सही नहीं है, देयर आर सो मैनी एनिमल्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ये बात सही है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं ये बात सही नहीं है। रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन रिप्रोडक्शन सर्वाइवल पे बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले कर रही है। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा फिर भी सर्वाइव कर सकता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अगर बताऊं तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं, अगर आप हॉर्स और डोंकी की बात कर रहे हैं, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स अगर लेंगे तो इनकी जो प्रोजनी बनेगी उसको बोलते हैं म्यूल, और अगर सेक्स इंटरचेंज कर देंगे, सेक्स इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, हॉर्स को ले लो फीमेल यानी मेल हॉर्स सॉरी और फीमेल डोंकी ले लो, तो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का जो प्रोजनी होता है इसको बोलते हैं हिमनी। तो हमने आपको बताया कि अगर हॉर्स कैसा होगा, अगर फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी है तो प्रोजनी को म्यूल, और मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी है तो प्रोजनी को बोलेंगे हिमनी, और ये म्यूल और ये हिमनी दोनों ही आगे चल के अपनी प्रोजनी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है नई प्रोजनी प्रोड्यूस करने से यहाँ पे। तो म्यूल और हिमनी ऑब्वियसली क्या है, लिविंग है, क्योंकि आप इनको बोझा ढोने में बहुत ज्यादा यूज करते हो, मार मार के बोझा ढोते हो उनसे, तो लिविंग तो है, ये काम कर रहे हैं भाई, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसमें, कॉन्शियसनेस जैसी प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म वगैरह, तो म्यूल लिविंग है लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हम रूल प्रिंसिपल बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अंश मेयर ने दिया था। उन्होंने कहा कि दो ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं सेक्सुअली वो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर माने जाते हैं, लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस कर भी ले तो उनकी प्रोजनी क्या होंगी, स्टराइल होंगी। तो अभी आपको हमने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इनको हम लोग बोलेंगे स्टराइल, यानी ये स्टराइल होंगे, इनफर्टाइल होंगे। तो अगर दो इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस ना करें, सेक्सुअली आइसोलेटेड हों, तो ये अलग अलग स्पीसीज के मेंबर होंगे, या फिर अगर रिप्रोड्यूस कर भी ले रहे हैं तो इनकी जो प्रोजनी प्रोड्यूस होंगी वो स्टराइल होंगी, तब ऐसे दो इंडिविजुअल को हम डिफरेंट स्पीसीज का मेंबर कंसीडर करते हैं, ये डिफरेंट स्पीसीज के होंगे, और इसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्रोडक्ट मानेंगे।
तो म्यूल एंड हिडनी कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस तरीके से और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अगर बात करूं मैं, एक तो ये हो गया म्यूल और हिडनी, और दूसरा एग्जाम्पल वर्कर हनी बी। तो ये जो वर्कर हनी बी होती हैं, ये जो वर्कर हनी बी हैं, ये फीमेल बीज होती हैं, फीमेल हनी बी हैं, जो सिर्फ क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्शन में हेल्प करती हैं, रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती। जो फर्टाइल फीमेल होती है उसको क्वीन बोलते हैं, और जो स्टराइल फीमेल है जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रही उसको वर्कर हनी बी बोल रहे हैं। तो ये फीमेल हनी बी, जो वर्कर हनी बी है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करती है, तो है तो ये लिविंग नेक्टर कलेक्शन में हेल्प कर रही है। और जैसे कि आप कह सकते हैं स्टराइल ह्यूमन कपल्स, इसराइल ह्यूमन कपल, आपके आसपास बहुत ऐसे दो लोग मिल जाएंगे जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो एक सक्सेसफुल कोहैबिटेशन के बाद वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप उनके लाइफ के एंड में जाके बोल दोगे कि तुम लिविंग थे ही नहीं, ऐसा मत करना, वो भी लिविंग है सब। मतलब कि ये म्यूल हिनी और वर्कर हनी भी, ये इसराइल ह्यूमन कपल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से इनके बच्चे हो सकते हैं, बात की बात है, ट्वेल्थ हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इसको। लेकिन अभी तक एग्जांपल जो हमने दिया, ये जो सारा का सारा एग्जांपल है आपके पास, ये पूरा का पूरा हिनी म्यूल वर्कर हनी बी इसराइल ह्यूमन कपल, इन सब में क्या नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कह सकते हैं ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और क्या नहीं कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया दिया, देयर आर सो मेनी एनिमल्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन है तो वो लिविंग। तो यहाँ से हमको दो तीन बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, हाँ है, क्यों क्यों है, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता। ध्यान से समझिए बात को, हमने आपको बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, वो अपने आप को खुद से रिप्लिकेट या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। सो रिप्रोडक्शन डिस्टिंग्विशेस लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर बींग लिविंग, बिकॉज देर आर सो मैनी एनिमल्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन फिनोमेना मैं किसी को लिविंग और नॉन लिविंग नहीं बोल सकता हूँ। अगर मैं इन सबको रिप्रोडक्शन के बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग बोलने बैठूं तो सबको नॉन लिविंग बोल बैठूंगा, तो लिविंग को डिफाइन करने की प्रॉपर्टी नहीं है ये। फिर वही बात आती है, आप अगर इसको फिर से रिलेट करें सिंपल सी बात से कि प्रॉपर्टी और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब बोलूंगा जब वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है ये प्रॉपर्टी, तो मैं इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, सिर्फ प्रॉपर्टी बोलूंगा। सिर्फ प्रॉपर्टी इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। दोनों बात ध्यान से समझिए बहुत अच्छी तरीके से। मैंने ग्रोथ को केवल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला था क्योंकि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, बात सही थी। ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोला था कि ग्रोथ जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, बात तो ठीक है, ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, बात ठीक है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, बात बिल्कुल गलत है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी क्या कर रहे थे, ग्रोथ शो कर रहे थे। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो तब मैं किसी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल पा रहा हूं, अगर तो ग्रोथ को हम इस बेसिस पे तो प्रॉपर्टी बोल सकता हूं कि ग्रोथ जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, लेकिन मैं इस बात से फेल हो जा रहा हूं उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलने में कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। उसी तरीके से अगर मैं रिप्रोडक्शन को प्रॉपर्टी बोलने जा रहा हूं तो रिप्रोडक्शन को मैं प्रॉपर्टी इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता था, रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा,
कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस बेसिस पे कि हम रिप्रोडक्शन की हेल्प से लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, इस बेसिस पे कि रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम देखेंगे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं वो नॉन लिविंग है, जो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो लिविंग है। लेकिन क्या मैं लिविंग और नॉन लिविंग को सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर समझा सकता हूँ? तो नहीं समझा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है। ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इसका मतलब ये नॉन लिविंग है? नहीं, ये भी लिविंग है। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, ये बात तो सही है। रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, ये बात तो सही है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, तो ये बात बिल्कुल ये बात सही है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि रिप्रोडक्शन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो मैं रिप्रोडक्शन को प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन को प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकता हूँ इसलिए कि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन मैं रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं कंसीडर कर सकता हूँ कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है। इसी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम तब बोल पाते हैं जब वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल हो विदाउट एनी एक्सेप्शन और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले। तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लाइफ को या लिविंग को डिफाइन करने के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेकिन पूरी तरीके से मैं दोनों प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होती है, लेकिन ग्रोथ केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं शो करते, ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होती है। इस वजह से ग्रोथ के बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए इसको आखिरी बार। एक बार हमने आपको बोला कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो फीचर पड़े हमने लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने के लिए या लिविंग को डिफाइन करने के लिए, लेकिन दोनों के बेसिस से पूरी तरीके से मैं नहीं कर पा रहा हूं। ग्रोथ के बेसिस पे किसी को लिविंग और नॉन लिविंग क्यों नहीं बोल पा रहा हूं पूरी तरीके से? अगर मैं एक एस्पेक्ट से देखूं कि ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है क्या, तो आप बोलोगे हाँ ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। लेकिन अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट चेक करने बैठूं कि क्या ग्रोथ केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, तो आंसर आपका होगा नो। तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होती, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं। इसका मतलब नॉन लिविंग भी लिविंग हो जाएंगे अगर ग्रोथ के बेसिस पे हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग बोलेंगे। तो इस वजह से ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, प्रॉपर्टी मान सकते हैं क्योंकि ये लिविंग में देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं उसके बेसिस से बोल सकता हूं क्या किसी को लिविंग या नॉन लिविंग, तो इसके भी दो एस्पेक्ट चेक करिए कि रिप्रोडक्शन क्या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। आप बोलोगे हाँ कि रिप्रोडक्शन जो है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट अगर आप चेक करेंगे कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आंसर होगा नो, यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस करते, लेकिन है तो लिविंग, तो इसके बेसिस पे मैं इसको नॉन लिविंग बोल दूं? नहीं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करी जा सकती है। तो मैंने आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इस वीडियो में बताया, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, उस पर मैं कुछ स्पेशल बातें करूंगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी।